गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि 68वीं बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम संपन्न हुआ और आप लोगों ने इसका एग्ज़ाम दिया होगा, तो इस बार जो क्वेश्चन का जो पैटर्न था वो आपको बदला दिखाई दिया होगा। क्वेश्चन का लेवल पिछले साल की तुलना में देखा जाए तो एक नए पैटर्न के साथ बीपीएससी ने इस बार एग्ज़ाम लिया है। और जैसा कि चेयरमैन सर के बार बार ट्यूट आना कि आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में ज़्यादा नर्वस मत होइएगा, कॉम्पिटेटिव रहिएगा, तो ये सब कहीं ना कहीं ये इस बार पेपर में भी दिखा। तो इसी चीज़ को लेकर मैंने अपने चैनल पर वोटिंग कराया था ये जानने के लिए कि क्वेश्चन कैसा, क्वेश्चन का जो लेवल था वो कैसा था, क्योंकि अल्टीमेटली स्टूडेंट से तय करेंगे कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। ठीक है, तो इसमें मैंने वोटिंग कराया था कि 68वीं बीपीएससी में प्रश्न का स्तर आपको कैसा लगा। ठीक है, तो इसमें मैंने 5 ऑप्शन बनाया था, आसान, आसान से मध्यम, मध्यम से कठिन, कठिन, बहुत कठिन। टोटल इसमें 357 वोट भी पड़े हैं, मतलब 357 स्टूडेंट्स ने पोलिंग भाग लिया। इससे ट्रेंड पता चलता है क्वेश्चन का स्तर क्या था। आपको भी अनुमान लग गया होगा क्या था, तो इसमें लगभग 54% स्टूडेंट ने ये माना है कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, यानी मध्यम से कठिन है, और 31% स्टूडेंट्स का मानना है कि कठिन है। तो अगर हम दोनों को जोड़ लें तो लगभग 85% जो छात्र हैं वो मानते हैं कि क्वेश्चन कठिन था नहीं तो मध्यम था, यानी देखा जाए तो कठिन की ओर झुकाव ज़्यादा है। ठीक है, 85% बच्चों का जो झुकाव है वो कठिन की ओर दिख रहा है, यानी पेपर टफ था। ठीक है, और हर क्वेश्चन में अब देखिएगा तो हर एग्ज़ाम में एक्सेप्शन होते हैं, तो यहाँ पर 4% बच्चों को आसान भी लगा है, तो इस चीज़ को लेकर आपको नहीं देखना चाहिए, हमें जनरल ट्रेंड देखना चाहिए, जनरल ट्रेंड क्या है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे से बहुत कठिन भी लगा है, और ये कुछ कुछ क्वेश्चन तो बहुत कठिन रियल में थे भी। तो इससे पता चलता है कि इस बार का जो पेपर है वो पिछले 56-57 से देखा जाए, 56-57 से लेकर 67 तक का सबसे बड़ा का टफेस्ट क्वेश्चन है, और ये अच्छा भी है, क्योंकि बीपीएससी का क्वेश्चन अगर अन्य एग्ज़ाम जैसा ही हो जो वनडे एग्जाम है, तो फिर क्या अंतर रहेगा बीपीएससी के क्वेश्चन में और एक सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन में और एक नॉर्मल वनडे एग्जाम क्वेश्चन में। तो अच्छा अच्छा पहल है ये, और मुझे उम्मीद है कि ये जो पहल है वो आगे भी चलते रहेगा, आगे का भी जो क्वेश्चन आने वाला है, जैसे कि अब तो कंबाइंड रूप से होने वाला सबका पीटी साथ में, चाहे CDPO हो या अन्य जो एग्जाम हो जिसका जो पैटर्न है बीपीएससी की तरह सबका साथ एग्जाम होगा, तो वहाँ पर क्वेश्चन का लेवल यही रहने वाला है। तो आप लोग अपना पढ़ाई का जो तरीका है उसको चेंज कीजिए आप लोग, और आप लोग इसी तरीके से पढ़ाई कीजिए ताकि इस तरह क्वेश्चन को टैकल किया जा सके। ठीक है, और ये उनको उनके लिए भी ठीक है जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं कम से कम, तो उनके लिए बेहतर है। और जो बिहार के स्टूडेंट हैं जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं वो भी थोड़ा सा अपना तरीका बदल लें ताकि अन्य एग्जाम भी काम आएगा, आगे उनको बीपीएससी के भी काम आ सकता है या यूपीपीएससी के भी काम आ सकता है। ठीक है फिर, तो आगे मैंने और भी वोटिंग कराया है उस पर मैं चर्चा करूँगा, तो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था ताकि आपको एक ट्रेंड पता चल पाए। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, धन्यवाद।